हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। सो वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल कंप्यूटर वाला। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। वेलकम टू आवर फर्स्ट क्लास। टुडे वी विल रीड अबाउट क्लास वन चैप्टर वन अबाउट कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक टू लर्न, क्या क्या आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज कहाँ और क्यों होता है। और रिविजन ऑफ चैप्टर, चैप्टर का रिविजन करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ए मैन मेड मशीन, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक मानव के द्वारा बनाया गया मशीन है, या हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड कंप्यूटर इन ईयर 1830। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार साल 1830 में किया था। ये हमारे सामने चार्ल्स बेबेज की तस्वीर है, और जो पहली कंप्यूटर 1830 में बनाई गई थी वो कुछ इस प्रकार की दिखती थी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हर चीज की पार्ट्स होती है। हम मानव है, ह्यूमन बींग्स है, हमारी भी पार्ट्स है। तो कंप्यूटर की भी अलग अलग पार्ट्स है जो अलग अलग वर्क करती है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। लेट्स अस गेट स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी नो देम, आप लोगों में से कुछ लोग इन्हें जानते भी होंगे। फर्स्ट मॉनिटर, सेकेंड सीपीयू, थर्ड कीबोर्ड, फोर्थ माउस, फिफ्थ प्रिंटर, सिक्स स्पीकर एंड सेवेंथ हेडफोन। तो गाइस, पार्ट्स के बारे में ब्रीफली जानने के लिए हमारे नेक्स्ट क्लास में जरूर जुड़िएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो अभी हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं। कीबोर्ड एंड माउस इज नोन एज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस जाना जाता है। वी यूज कीबोर्ड एंड माउस टू टेल दी कंप्यूटर व्हाट टू डू। हम लोग कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए कि उन्हें अभी क्या कार्य करना है। दीज ऑल आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों को इनपुट डिवाइस कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि दोनों का काम क्या है। द कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग एंड द माउस इज यूज टू पॉइंट एंड चूज ऑन मॉनिटर। कीबोर्ड जो है बेसिकली टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है, और माउस जो है पॉइंट और चूज करने के लिए मॉनिटर पे यूज किया जाता है। कोई एप्लीकेशन हुआ, कोई फाइल हुआ, या कोई फोटो हुआ जिसको हम लोग को ओपन करना है, तो हम लोग माउस के थ्रू करते हैं। अब गाइस, हम लोग इनपुट डिवाइस का तो यूज करते हैं, पर वो जो आउटपुट आता है डिस्प्ले पे आता है, तो वो डिस्प्ले क्या है। तो द मॉनिटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, इट पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इनपुट ऑन द मॉनिटर। जैसा कि मैंने बताया कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर को हम लोग डिस्प्ले भी बोलते हैं, और ये जो इनपुट डिवाइस का वर्क करते हैं उसको आउटपुट में पब्लिश करते हैं। चलिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज कंप्यूटर का हम लोग जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सीपीयू नहीं तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं। द सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जैसे कि हमारे पास एक ब्रेन है, वैसे ही कंप्यूटर का सीपीयू ब्रेन है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि सीपीयू नहीं तो कुछ भी नहीं। चलिए जानते हैं सीपीयू के बारे में। द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड द ऑर्डर गिवन बाय द इनपुट डिवाइस थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है जो ऑर्डर देता है, तो उस ऑर्डर को आउटपुट में पब्लिश करने के लिए सीपीयू का यूज होता है। कोई भी ऑर्डर जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है उसे आउटपुट में लाने के लिए सीपीयू यूज किया जाता है, जो इसे प्रोसेसिंग करके आउटपुट रिजल्ट देता है। चलिए आगे जानते हैं। इट कनेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड हेल्पिंग इन कंप्लीटिंग डिफरेंट टास्क। सीपीयू जो है कंप्यूटर के सारे पार्ट्स से कनेक्ट होता है, जैसा कि हमने बताया मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड अदर ऑल पार्ट्स, प्रिंटर इटीसी, जो सब है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है, तभी वो वर्क करता है। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स, हैंड, माउथ, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तभी हम लोग कोई काम कर पाते हैं। वैसे ही कंप्यूटर कोई भी वर्क करने के लिए सीपीयू से कनेक्ट होना चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। इट ऑल्सो स्टोर ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर डाटा। दोस्तों, कभी हमने सोचा कि नहीं सोचा पता नहीं, पर बताते हैं
कि हम लोग जो भी काम करते हैं कंप्यूटर पे, या बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, फोटोज़ देखते हैं, तो वो स्टोर कहाँ होता है? तो उसके लिए एक स्टोरेज फाइल होता है सीपीयू में, जहाँ वो सारे चीज़ स्टोर होते हैं। आगे बड़े क्लास में हम लोग इसके बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए फिर, सो गाइस प्रिंटर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंटर भी एक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है और ये एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए फिर आगे जानते हैं कि प्रिंटर का यूज कहाँ होता है। तो इट इज यूज इन डे टू डे लाइफ एट शॉप, स्कूल, होम एंड एट मेनी प्लेस। प्रिंटर जो है रोजाना के जिंदगी में अब यूज होने लगा है, शॉप में, स्कूल में, होम में, ऑफिस में और भी बहुत जगह। चलिए फिर जानते हैं प्रिंटर का काम क्या है। इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर कैन बी प्रिंटेड ऑन द पेपर थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंटर। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे दिखता है, उसे हम लोग पेपर पे प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर के हेल्प से। अब हम लोग जानते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज क्या है? ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले गेम, वॉच वीडियो, टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली, डूइंग ऑनलाइन वर्क्स, रीडिंग ई बुक्स एंड मेनी मोर वर्क्स। जो कंप्यूटर है उसका हम लोग यूज कर सकते हैं वीडियो गेम खेलने में, वीडियो देखने में, टॉक टू फ्रेंड एंड फैमिली, दोस्तों और घर वालों से बात करने में, डूइंग ऑनलाइन वर्क्स। जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग अपना ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं और भी बहुत कुछ। रीडिंग ई बुक्स, जो बुक हमारे पास मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं होता उसका पीडीएफ डाउनलोड करके हम लोग कंप्यूटर के थ्रू पढ़ पाते हैं, और भी बहुत सारे काम कंप्यूटर से किए जाते हैं। कंप्यूटर अप्लायंसेस, कंप्यूटर अप्लायंसेस का यूज कहाँ कहाँ होता है ये जानते हैं। चलिए, हियर इज द लिस्ट ऑफ प्लेस वेयर यूज ऑफ कंप्यूटर अप्लायंसेस आर डन। सो पहला है हॉस्पिटल, सेकेंड शॉप, थर्ड एयरपोर्ट, फोर्थ स्कूल, फिफ्थ होम और सिक्स वेदर स्टेशन। हर जगह पे अलग अलग यूज कंप्यूटर की जाती है उसके नीड के अनुसार। लास्ट टॉपिक जो है आज का, वहां हम पहुंच चुके हैं, जो है रिवीजन ऑफ चैप्टर। चैप्टर के बारे में हम लोग रिवीजन करते हैं। क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है वो है फर्स्ट व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। सेकेंड हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, कंप्यूटर किसने बनाया। डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिफाइन कीजिए। एक्सप्लेन सीपीयू, सीपीयू के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। फिफ्थ है यूज ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर का क्या क्या यूज है। सिक्स्थ है व्हाट इज यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ। गाइस एक बात मैं आपको बता दूं कि जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर वाला के व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं। चलिए फिर आगे कुछ हम अपने चैनल से रिलेटेड आपको बताते हैं, जाइएगा मत क्योंकि लास्ट में कुछ सरप्राइज है आपके लिए। कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला का यूट्यूब चैनल नेम है कंप्यूटर वाला, फेसबुक पेज पे भी कंप्यूटर वाला है, जहाँ पे हम लोग डेली कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस डालते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। इंस्टाग्राम पेज भी है कंप्यूटर वाला _education। आप हमारे ईमेल को जरूर यूज़ कीजिएगा और बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। अगर इसमें कुछ गलत है तो वो भी बताइएगा, सुधार हम क्या कर सकते हैं ये भी बताइएगा। और गाइस जो व्हाट्सएप नंबर का मैं बात कर रहा था वो यही है 7261807595, जहां आप अपने क्वेश्चंस के आंसर भेज सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि आपके लिए सरप्राइज क्या है। जो भी बच्चे क्लास 1-5 के हैं सीबीएसई बोर्ड्स, उनके लिए कंप्यूटर वाला के टीम ने एक ऑनलाइन क्लास ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आप फ्री में कंप्यूटर की एजुकेशन ले सकते हैं, अलॉन्ग विथ नोट्स, PDFs एंड everything। आपको पूरी गैजेट्स दी जाएगी कंप्यूटर की, और साथ में कोई चार्ज नहीं लगने जा रहा। तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर DM कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे क्लास को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, कमेंट तो देना ही होगा कि कैसा है और कैसा नहीं। और याद से बेल को बजा लीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी वो आपको पता चल जाएगी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ सब सही होगा। स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।